हमारे साथ इस वक्त इनके इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, ये कुछ कैडेट्स हमारे साथ मौजूद हैं और इससे पहले परेड के मनाजिर थे, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और दीगर जितने भी यहाँ पर मामलात हैं, स्टडी के मामलात हैं और दीगर जितना भी इनका यहाँ पर इंतजाम है, खेल के मामलात हैं, दीगर इनका जो सेटअप है खाने वाने का, सब हर चीज़ रिहाइश तक एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ चाहिए और हम इंस्ट्रक्टर से बात भी करेंगे किस तरह आप इनको तैयार करते हैं। Okay, I'm Wing Commander Kamal Bela and I'm working as a commandant at Askari Cadet College, Kalar Kahar. We have around about 400 to 500 students. We have a girls section and a junior section as well. Hamara yahan pe jo stress hai wo ek acche human being banana hai, kyunki education is one part and the training is another part. Mainly hum induct karte hain cadets ko military pe, but that's not the restriction. Hamare yahan कोशिश की जाती है कि बच्चे की स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, उसकी पर्सनालिटी मेकिंग के ऊपर, उसकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम किया जाए और सबसे बड़ा बात यह है कि उसकी हैबिट मेकिंग के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि इंसान के साथ ज़िंदगी भर जो चीज़ चलती है वो उसकी फ़िज़िकल फिटनेस, हैबिट्स एंड द मॉरल्स है, करेक्टर के ऊपर काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और वी आर जस्ट इन द मेकिंग स्टेज एंड होपफुली Inshallah, we'll gonna come up as a leading cadet college of this country. ये नाज़रीन हम देख रहे हैं यहाँ पर जवानों को जो है कैडेट्स को फ्रंट रोल दिए जा रहे हैं, कोई पनिशमेंट मिली हुई है, जाकर इनके इंस्ट्रक्टर साहब से पता करते हैं कि इनको क्यों ये पनिशमेंट दी जा रही है। डिसिप्लिन किसी भी किस्म का कोई मुजाहरा जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाता यहाँ पर, डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्ती है।
नाज़रीन ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मैट्रेस लगा हुआ है और ये इंस्ट्रक्टर साहबान जो है इन्होंने कुछ लड़कों को तैयार किया हुआ है, वो यहाँ पर जिमनास्टिक का एक छोटा सा एक मुजाहरा करेंगे, इंशाल्लाह अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। यानी इनकी जिस्मानी फिटनेस का इस कदर ख्याल रखा जाता है कि इनको मार्शल आर्ट्स में, जिमनास्टिक में और दीगर चीज़ों में जो है वो ट्रेंड किया जाता है। बहुत मेहनत कर रहे हैं इनके इंस्ट्रक्टर साहबान और काफ़ी पेशा वराना सलाहियतों के मालिक हैं ये। देखते हैं जी इनके इस जिमनास्टिक का जो है वो अमली मुजाहरा। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस कैडेट कॉलेज के सरबराह कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब, उनकी ज़ेर निगरानी ये कॉलेज है, इसके सारे इंतजाम इंसलाम को चलाया जाता है और यही यहाँ पर कमांड कर रहे हैं, यहाँ पर सारी इनकी निगरानी है और इनकी निगरानी में बड़े खूबसूरत तरीके से अस्करी कैडेट कॉलेज जो है वो पेशा वराना सलाहियतों के हामिल यहाँ पर असाज़ा हैं और दीगर ट्रेंड जितना भी स्टाफ है वो सब इनके ज़ेर निगरानी चल रहा है। कर्नल साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये कब से आप ये कैडेट कॉलेज चला रहे हैं? ये 2010 से। 2010 से, तो अभी तक माशाल्लाह इसकी क्या रेपुटेशन है, आप क्या समझते हैं? रेपुटेशन बहुत अच्छी है, पूरे पाकिस्तान के अच्छे नाम से जाना पहचाना जाता है और बेशुमार लड़के यहाँ से आर्मी एयरफोर्स में सेलेक्ट होकर अफसर के तौर पर मुल्क कौम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं बड़े अहसन तरीके से। हमें उन पर फ़ख्र है, पूरे मुल्क को फ़ख्र है उन पर और बड़े डिसिप्लिन तरीके से काम कर रहे हैं। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पर ये जो कैडेट्स हैं इनको तैयार करते हुए इनको देखते हैं, जब आप इनकी ट्रेनिंग होते हुए सारा कुछ आप देखते हैं तो आपको कहीं अपना वो पीएमए का टाइम याद आता होगा? वो तो हर वक्त ही याद आता है, इसके अलावा भी, क्योंकि वो तो खून पसीने में वो बसा है शुरू से ही, वो तो हर वक्त ही याद आता है। लेकिन ये बच्चे भी उसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जो पीएमए में उस वक्त का स्टैंडर्ड था वही यहाँ भी अचीव किया जाए ताकि अच्छे जिस्मानी ज़हनी तौर पर। रहीम, मेरा नाम कर्नल मोहम्मद सईद है, मैं अस्करी कैडेट कॉलेज का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। अस्करी कैडेट कॉलेज मैंने खोला 2010 में और मेरा मकसद ये था कि पाकिस्तानी जो नई जनरेशन है उनको इस्लामी तालीम दी जाए जिसमें 5 वक्त की नमाज कंपलसरी है, कुरान शरीफ मैंने के साथ पढ़ाते हैं ताकि उनको पता चले कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। दूसरा, इसमें बच्चों के अंदर करेक्टर वाइज, ख़ानदानी अदात वाइज बहुत पस्ती आ रही है क्योंकि माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है, महंगाई की वजह से वो महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, टाइम दे नहीं सकते, तो जो मोबाइल आज चल के लोगों के हाथों में बच्चों के, वो सुबह शाम मोबाइल के साथ लगे हुए हैं, तो उनकी राह बरी नहीं हो रही है कि हम ऐसा अदारा खोलें जहाँ जो माँ बाप का खला उसको पुर किया जाए। तो उसमें बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं और वो अच्छी अदात उनको बताते हैं जो अच्छे इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, वो बता रहे हैं। और दूसरा, बच्चों को उस किस्म की तालीम दी जाए ताकि वो तालीम हासिल करने के बाद, तरबियत हासिल करने के बाद फोर्सेज में बआसानी अफसर सेलेक्ट होकर चले जाएँ। अभी हमारे माशाल्लाह 10-12 साल मुकम्मल हो गए हैं कॉलेज को,
ये तालीम देते हुए इस्लामी फौजी तरबियत और उनको एज अच्छे इंसान के तौर पर, अच्छे मुसलमान के तौर पर, और उसमें हमें बहुत कामयाबी हुई है। और मुझे खुशी है कि काफ़ी बच्चे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में हर कोर्स में कम अज़ कम 10-15 बच्चे हमारे सिलेक्ट होकर चले जाते हैं। और अभी और भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। इस दफ़ा जितने बच्चों ने अप्लाई हमारे बच्चों ने किया है, PMA 148, 147, तमाम के तमाम सेलेक्ट हो गए। तो ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मैंने जिस मकसद के साथ खोला, वो मकसद अल्लाह ताला मुझे बख्श रहा है। तो मैं अल्लाह का बड़ा ममनून हूँ, और बच्चों के तावन और उनके पेरेंट्स के तावन, उसका भी मैं उन लोगों का मशकूर हूँ। और बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मेजर मौज़म अली है। मैं यहाँ पर बच्चों की अस्करी ट्रेनिंग के हवाले से अपॉइंट हुआ हूँ, और मेरा मेन फोकस जो है वो बच्चों की करदार साजी है, ताकि बच्चे अपना मुस्तकबिल में आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब उनके साथ एक साउंड और बेहतरीन किस्म की तरबियत हो। इसके लिए हम सबसे ज़्यादा जो सही दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दे रहे हैं, वो उनके दीनी तालीम की तरफ और फिज़िकल तालीम की तरफ है। और इसीलिए 5 वक्त नमाज कंपलसरी है यहाँ पर। नाज़रा कुरान के साथ, नाज़रे के साथ कुरान मजीद पढ़ाया जाता है। और ये इस इवेंट को सुबह सवेरे हम अंजाम देते हैं, और जब बच्चे सुबह सवेरे उठकर मस्जिद में जाते हैं तो अपनी इब्तदा अल्लाह के नाम से करते हैं। तो ऑब्वियसली इसका एक बहुत इम्पेक्ट है करदार साजी के ऊपर। हम तमाम हमारे पाकिस्तान के कोने कोने से बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं, और जोक दर जोक इस आपने यहाँ के सारे इंतज़ाम इंसराम को देखा, यहाँ पर कैडेट्स की तरबियत, कैडेट्स की पढ़ाई, स्टडीज़, सारा कुछ आपने देखा। यहाँ पर उनको डिसिप्लिन के मामले में किस तरह तेज़ किया जाता है, एक एक चीज़ आपने, इंस्ट्रक्टर्स की बातें सुनी, यहाँ पर आपने कमांडर साहब की बात सुनी, कर्नल साहब की बातें सुनी, और मेजर साहब थे उनकी आपने बातें सुनी। तो वीडियो आपको यकीन पसंद आई होगी। नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और शिराजी स्टूडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस आपको बिला ताखीर मिलती रहें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, कैमरामैन सुल्तान शिराजी के साथ आपका मेज़बान हाफिज़ शिराज महमूद। अल्लाह हाफिज़।